तो नए साल में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। देश भर में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और इसके लिए 1 जनवरी से बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वयस्कों की तरह ही बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म पर ही होगा। इसके अलावा बच्चे अपने नजदीकी केंद्र में जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक कई बच्चों के पास आधार या फिर दूसरा आई कार्ड नहीं होता है, ऐसे में 10वीं की मार्कशीट को भी ऑप्शन में जोड़ा गया है। इधर पेरेंट्स के फोन नंबर से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक नंबर पर एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हालांकि अभी कोविन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को कोवैक्सीन का ही ऑप्शन दिखेगा। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया था।